देश में दो मानसिकताएं सामने आ रही है, जिसमें कहीं विरोध तो कहीं समर्थन के स्वर नजर आ रहे हैं। इसके चलते बीजेपी द्वारा देश के प्रत्येक जिले में नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर के साकेत गार्डन में इस अधिनियम को लेकर एक वार्ता शनिवार को रखी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विषय विशेषज्ञ एवं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर निशांत थरे ने इंदौर के साकेत गार्डन स्थित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया। भारत रक्षा मंच द्वारा किए गए इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और डॉक्टर निशांत खरे द्वारा दिए गए नागरिक संशोधन अधिनियम के संबंध में वार्ता को भी सुना। इस अवसर पर इंदौर नगर पालिका निगम के सभापति अजय नरूका ने कहा कि जिस कानून पर देश के सर्वोच्च सदनों में पास किया जा चुका है, उस पर कोई संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून को लेकर कुछ लोग देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और समाज में विघटन चाहते हैं, जिससे देश में अराजकता का माहौल बन रहा है। भारत रक्षा मंच द्वारा भारत के प्रत्येक जिले में इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जैसा अजय जी ने अभी बताया, कुछ समय में जो इसके संदर्भ में जानकारी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पिछले कुछ समय से जब से ये जानकारी का दौर सा चल रहा है, शायद आप में से बहुत से लोग वो जानकारी प्राप्त भी कर चुके होंगे। जितना इसके बारे में जानना जरूरी है वो मैं आपके सामने बताता हूँ और फिर बची हुई चीजें प्रश्नों के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ये बात प्रारंभ करूं उसके पहले थोड़ा सा कुछ पिछले दो तीन दिन में जो हो रही घटना है देखिए, जिस प्रकार से देश के अंदर एक CAA को लेकर, उस कानून को लेकर जो भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है, जो अराजकता फैलाई जा रही है और जो लोगों को, नागरिकों के अंदर कई उनके अपने सवाल भी हैं, उन विषयों को इसके ऊपर व्यवस्थित रूप से प्रकाश पड़े और जितने भ्रम है वो हटे। CAA कौन सा कानून है, कैसा है, क्या करता है, उसके बारे में आने वाले समय में देश का दृश्य पटल कैसा है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को एक निश्चितता प्रदान करने के लिए, नागरिकों में से भ्रम को हटाने के लिए हमने यहाँ पर जो हमारा क्षेत्र है, ये प्रबुद्ध जनों का क्षेत्र है, इसमें प्रबुद्ध जन एक संगोष्ठी रखी है और इसमें इन सब भ्रम के माया जाल को हटाने के लिए इस विषय के विशेषज्ञ कहूँगा मैं डॉक्टर निशांत खरे, जो कि प्लास्टिक सर्जन है, वो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे यहाँ पर और सब नागरिकों के साथ में जो उनके जो मन के अंदर सवाल हैं नाना प्रकार के, जो भ्रम की स्थिति में हो, चाहे मतलब किसी और कारण से उनके मन में जो भी सवाल आएँ, उन सबका वो व्यवस्थित रूप से उत्तर भी देंगे इन विषयों को लेकर करा। और साथ में ही भारत सुरक्षा मंच जो कि 12 तारीख को तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, उस तिरंगा यात्रा में हम प्रबुद्ध जन भी यहाँ पर से निकल कर आएँ और अधिकतम संख्या के अंदर उसके अंदर हिस्सेदारी लें, जिससे हम उस संख्या बल की दृष्टि से, मत बल की दृष्टि तो हम बता चुके हैं, पूरा इंदौर बता चुका, पूरा देश बता चुका है और उस मत बल के कारण ही ये कानून निकल के आया है। लोग लोअर पार्लियामेंट में भी और अपर पार्लियामेंट के माध्यम से जब कानून बन चुका है तो उस कानून को संख्या बल की दृष्टि से कुछ लोग उसको दबाना चाहते हैं, तो वो संख्या बल भी इसके समर्थन के जो लोग हैं वो निकल कर आएंगे और वो बताएंगे कि हम किस तरीके से हमारा इस कानून को समर्थन है। तो इन दोनों दृष्टि से हमने ये संगोष्ठी का आयोजन किया है।